बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको घर पर एक्सटेंशन लीड बनाने का तरीका बताएंगे। ये हमारे पास बोर्ड है, हम एक बटन से तीन सॉकेटों को कंट्रोल करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। स्विच सॉकेट मैंने इसे पहले ही फिट कर लिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको उस कनेक्शन समझ आ जाए। हमारे बस स्विच सॉकेट फिट करने की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियो, ये स्विच सॉकेट वीडियो, स्विच सॉकेट फिट करने की वीडियो देख सकते हैं। हमने एक तार ले लेनी है, इन तीन सॉकेट के होल से गुजार देना है। ये हमारे तीन छः होल है ना, एक सॉकेट में दो, तो हमने कोई तीन में से ये गुजार लेनी है इस तरह, और इन्हें अच्छे से लगा लेना है। ये हमारी गुजर गई और हमने ये तार का टूटा एक थोड़ा सा फालतू रखा है, इससे हमने ये हमारा एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, बटन के एक होल में दे देना है इसे। कोई बच गया दोस्तों, हमारे पास जो वायर होती है बिजली की, दो तारे हम लगाते हैं लीड स्विच वगैरह लगाने के लिए। स्विच में दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो टू पिन शू होता है जो, तो तार में दो वायर होती है, हमारी एक न्यूट्रल होती है, एक फेस होती है। तो हमारी जो तारे होती है दो, हमारी एक तार इधर लगेगी, मिसाल के तौर पर हमारी यहाँ पर फेस लग जाती है और यहाँ पर न्यूट्रल लग जाती है, दोनों तारे एक इधर लगानी है हमने, एक इधर लगानी, इधर नहीं लगानी, ठीक है। ये इधर लग जाएगी तो हमारे इन तीन पॉइंट में डायरेक्ट करंट आ जाएगा, न्यूट्रल हमारा तीनों में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट लगाया, तीनों में आ गया। तो और एक तार हमने यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर लगा देंगे, हमारा बटन ऑफ है तो यहाँ पर करंट रहेगा, इधर करंट नहीं आएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा, जब हम बटन ऑन करेंगे तो हमारा करंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और इस तार के जरिए होते हुए इन तीनों में आ जाएगा, इन तीन पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। बटन ऑन किया हमने, यहाँ से यहाँ पर आ गया और यहाँ से होता यहाँ पर आ गया। जब हमने ऑफ किया तो हमारा करंट यहाँ पर रुक गया, ब्रेकअप हो गया, यहाँ से ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। हमने इससे पहले बोर्ड के अंदर से किसी कैंची वगैरह के साथ या किसी के साथ होल कर लेना है, सुराख कर लेना है। एक हमने इधर लगा लेनी है न्यूट्रल पे, ये हमने लगा दी इधर, एक तार हमने इधर लगा दी, ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था, और एक हम बटन के पॉइंट में दे देते हैं। इस तरह से दे देनी है इसके अंदर, एक तार हमने इधर लगा दी, इन तीनों को इकट्ठा कर, जो इकट्ठी थी तीनों, हमने इनमें एक लगा दी न्यूट्रल, और एक हमने बटन के पॉइंट में लगा दी, जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। लगाने के बाद हम आपको आप कनेक्शन चेक, अपना बोर्ड चेक करके दिखाते हैं, हमारा बोर्ड अच्छे से काम करता है नहीं करता। हमने इसे इस तरह फिट कर लेना है, हमने पेच वगैरह लगा लिए हैं, हमारा बोर्ड मुकम्मल तैयार हो गया। अब हम इसके चेक करते हैं कि हमारा बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है नहीं है। मेरे पास स्विच को सीधा लगा कर देखते हैं, ये देखें, अब हमारा न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल आ रहा है डायरेक्ट इसमें, और इसमें देखते हैं हमारा टेस्ट नहीं ग्लो कर रहा, बल नहीं रहा इसमें, इसमें भी नहीं बल रहा। जब मैं बटन दबाऊँगा तो हमारा हमारा ये टेस्ट बल रहा है, देखें, ये देखें हमारा बटन पर फेस कंट्रोल है और न्यूट्रल हमारा ड्रैक आ रहा है, न्यूट्रल को, न्यूट्रल पर हमारा टेस्ट नहीं बलता, ठीक है। यहाँ पर हमारा बटन टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब हम इसे